satisfy closure property. Who satisfies closure property? Plus satisfies, minus satisfies, into multiplication satisfies. It means plus, minus and multiplication. These three operations satisfy closure property. ये closure है क्योंकि दो numbers, दो integer का sum एक integer, दो integer का difference एक integer, दो integer का multiplication एक integer, लेकिन division integer नहीं है. अब अपन देखते हैं commutative property. Commutative property. Commutative property क्या है? अगर आपको फुल ऑन फुल स्कोर करना है तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट इज कम्यूटेटिव, व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड सो ऑन. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो आप समझ सकते हो 2 प्लस 3 को क्या लिख सकते हो आप 3 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 4 को क्या लिख सकते हो आप 4 प्लस माइनस 2. ऐसा अगर आप लिख सकते हो तो इसका मतलब है इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. देखो आप 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 3 आपके पास थे, 4 रुपए का लोन था तो लोन चुकाने चुकाने में आपके पास कितने रुपया बचा, लोन एक रुपया का. तो ये वन है और ये कौन है, दिस इज वन एंड दिस इज माइनस वन. बोथ आर अनइक्वल, दोनों की दोनों बराबर नहीं है, दोनों की दोनों बराबर नहीं है. तो इसका मतलब ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. इसका मतलब है कि माइनस डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई करता है. मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या है मल्टीप्लीकेशन, जरा समझते हैं मल्टीप्लीकेशन इज वॉट. तो मल्टीप्लीकेशन होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. तो लास्ट ईयर भी आपने देखा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2. तो मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसीलिए ए इंटू माइनस बी, ध्यान से देखो, ए इंटू माइनस बी को माइनस ए इंटू बी भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस बी इंटू ए भी लिख सकते हैं, माइनस बी इंटू ए. अब माइनस बी इंटू ए को ऐसा भी लिख सकते हो आप माइनस बी इंटू ए, ऐसा भी लिख सकते हो आप, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप माइनस ए इंटू बी. तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास लिखने के. इसलिए इस वाली प्रॉपर्टी को भी आप दिमाग में रखना. किस वाली प्रॉपर्टी को, जो मैं बोल रहा हूं आपको, ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी, माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए. और इसी को क्या लिख सकते हैं, इससे देखो आप, इससे समझ में आएगा आपको. इससे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं. तो ये ऐसे याद रखना है आपको कि प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड माइनस इंटू प्लस इज वॉट, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस इंटू प्लस ये तो लास्ट ईयर जैसा ही है आपके पास, इट विल रिमेन प्लस. जैसे 2 इंटू 3 इज वॉट, तो 2 इंटू 3 क्या है, ये प्लस 2 है. मैंने बोला था ना अगर इसके पीछे लिखा नहीं है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव. इसके पीछे लिखा नहीं है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव. तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा. तो इन दिस वे यू कैन कीप इन माइंड, आप अपने ध्यान में रख सकते हो ए इंटू माइनस बी, जैसे मैंने बताया 7 टाइम्स माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए इंटू बी, माइनस 7 इंटू 2. लोन आपका 2 रुपए था, उसका 7 टाइम्स कर दिया किसी ने, तो लोन आपके ऊपर हो गया माइनस 14 का. तो ए इंटू माइनस बी इज माइनस ए इंटू बी. ए इंटू बी को आप क्या लिख सकते हो, बी इंटू ए भी लिख सकते हो. क्यों, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अब माइनस बी इंटू ए को कैसा लिख सकते हो आप, जैसे इसमें सिखाया था, अगर ऐसा देखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी इंटू ए को, बी इंटू माइनस ए, बी टाइम्स माइनस ए. और बी टाइम्स माइनस ए को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, माइनस ए पहले कर दिया और बी को क्या कर दिया, बाद में कर दिया. तो ये है, बस ये एक चार्ट है
कीप दिस चार्ट इन योर माइंड, आप इस चार्ट को बहुत अच्छे से अगर अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, और कोई भी छोटी मोटी भी गलती आपसे नहीं होगी। तो दिस वॉज अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको फिर एक छोटा सा चार्ट और बना दूंगा और आपको दे दूंगा ताकि आप अपने दिमाग में बिठा पाएंगे। तो ये वाला चार्ट आप अपने दिमाग में जरूर बिठा लें, इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखने में दिक्कत नहीं होगी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अभी हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, तो सबसे पहले देखें आपकी क्या देखा आपने, व्हाट इज नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, व्हाट आर होल नंबर्स, तो होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, व्हाट आर इंटीजर्स 0, ±1, ±2, ±3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। फिर उसके बाद हमने देखे ऑपरेशन, ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा देखा हमने, एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स। फिर हमने कौन सा देखा ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। तीसरा ऑपरेशन कौन सा देखा हमने, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हमारे पास क्या आई उसके बाद, प्रॉपर्टीज आई। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर। नंबर टू कम्यूटेटिव। नंबर थ्री अब देखने जा रहे हैं हम, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट ईयर भी ये प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, a+b+c = a+b+c। ब्रैकेट शिफ्ट हुआ, क्या हुआ इसमें, शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट का शिफ्ट होना, तो ब्रैकेट का शिफ्ट होना है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप वेरीफाई करो तो a की जगह 1 ले लो, b की जगह 2 ले लो, c की जगह कोई नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं ना, -4 ले लिया, तो अब देखो क्या होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, तो लेफ्ट हैंड साइड है a+b+c, और राइट हैंड साइड क्या है आपकी। ये वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे एग्जाम में, कीप दिस इन माइंड, आप अपने दिमाग में रखना, a+b+c, 1+। हमने लोन वाली जो बात बताई है वो एक बेहतर आइडिया है आपके पास, आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी, और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे शेयर करना। अब देखो मेरे बच्चों, ये 2 के बाद मैंने -4 को ब्रैकेट में लिखा है, तो याद रखो दो ऐसे साइन साथ साथ नहीं आते, प्लस के जस्ट बाद माइनस नहीं आएगा, दो साइन कॉन्जिक्यूटिवली नहीं होंगे, साथ साथ में नहीं होंगे, अगर आएंगे तो एक ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। जैसे राइट साइड में भी देखो आप, 1+2 दे आर ऑलरेडी इन ब्रैकेट, वो तो ब्रैकेट में ही है, प्लस सी क्या है, तो सी नेगेटिव है -4, तो प्लस के जस्ट बाद तो फिर नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, सेपरेट करना उसको माइनस से, वो ब्रैकेट से। अब आप देखो 1+2 - 2+-4, तो प्लस इंटू माइनस कैसे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और वैसे भी आप देख सकते हो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ऐसे भी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इस चार्ट को मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ आपके आगे सामने के लिए, कभी ऐसा भी रहेगा तो आप ध्यान रखना, ऐसे रखेंगे आप ध्यान, माइनस के जस्ट बाद प्लस आएगा तो माइनस, प्लस के जस्ट बाद, क्योंकि ये ब्रैकेट भी किसके जैसा, मल्टीप्लीकेशन के जैसा काम करता है, प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस, माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस ऑफ प्लस प्लस, ये आपने बढ़ा दिया इसको, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। और ऐसे भी सोचो कि 2 रुपए आपके पास थे, आपने लोन कितने का लिया, लोन आपने 4 रुपए का, ये प्लस का मतलब है ना चढ़ाना, चढ़ाना हमारे ऊपर, तो चढ़ा लिया हमने लोन 4 रुपए का, और उसमें उतारना था माइनस का मतलब, तो जब माइनस उतारते हैं तो रिच होते हैं, और चढ़ाते हैं तो फिर हम गरीब होते हैं। तो हमारे पास पहले से 2 थे, हमने प्लस चढ़ा लिया लोन, कितने का लोन चढ़ा लिया, 4 रुपए का, तो अब हमारे ऊपर जब लोन 4 रुपए का चढ़ गया तो अब हम गरीब हो गए, कितने हो गए हमारे पास, 2 रुपए का लोन हुआ। और 2 - 4 आप वैसे भी समझ सकते हो, 2 - 4 - 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 - 2 - 1 - 2 = -1, 1 - 2 = -1। अब देखो इधर 1+2 = 3,
प्लस इंटू माइनस चढ़ा लिया, 3 माइनस 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 माइनस 4, अगर माइनस है तो माइनस ही करो आप, पर निशान बड़े नंबर का लगाना है आपको, सिग्नेचर साइन जो है वो बड़े नंबर का, बिगर नंबर। तो 3 माइनस 4 है, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस 3 1 हो गया, पर निशान किसका लगेगा, इसका। और ऐसे ही समझना है बहुत आसानी से, तो 3 माइनस 4 मैंने जैसा बताया आपको, लोन वाला 3 रुपये आपके पास थे, आपके पास लोन कितने का हो गया, 4 रुपये का लोन हो गया, तो 4 रुपये का जब लोन था तो आपके पास कितने रुपये का लोन बचा, लोन बच गया आपके पास 1 रुपये का। आप देखो LHS और RHS क्या आ रहे हैं, LHS एंड RHS आर इक्वल, LHS और RHS इक्वल है। ये पहला एग्जांपल था, मैं आपको सेम प्रॉपर्टी वेरीफाई करने को देता हूँ, इसी प्रॉपर्टी को आप वेरीफाई करना यूजिंग दिस एग्जांपल। ए की जगह 2 लेना, बी की जगह -3 लेना, सी की जगह 4 लेना, और इसको ही वेरीफाई करना, ए प्लस बी प्लस सी वाली प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी मेरे बच्चों, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की थी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी होती है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये मल्टीप्लीकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। वेरीफाई करके दिखाऊं क्या, ए की वैल्यू, ये नंबर एग्जाम्पल 2 था आपका, जो आपने बोला कि घर पे करेंगे आप, ये पहला एग्जाम्पल है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू, आप मन अपने मन से बोलो तो -9, तो ये आपने बोल दिया, मैंने लिख दिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी अपनी, ए इंटू बी इंटू सी, तो ए कितना है आपके पास 2, ये कितना है 4 इंटू -9। तो इसमें आप पहले क्या करें, पहले एक और बात ध्यान रख लें, अब हम धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें पहले ध्यान रखें कि पहले सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब साइन, प्लस इंटू माइनस, वो मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होके क्या जाएगा, -4 9 36। बेसिक तो मैंने आपको बताया है, 4 into -9 is -36, क्यों, 9 रुपये का लोन था, 9 रुपये के लोन को आपने 4 times कर दिया, तो लोन आपका 4 times हो गया। लेकिन अब आप बेसिक बात उसको भूल के, जो मैंने चार्ट बनाया था प्लस इंटू माइनस का, उससे ध्यान रखें, 4 into -9 -36, 2 into -36 तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 into 36 72। अब RHS देखो, RHS कितना है इसका, A into B into C, तो A into B क्या होगा आपका, तो A into B देखो 2 into 4 into -9, 2 4 जा कितना 8, 8 into -9 कितना 8 into -9 -72, LHS is equal to RHS, hence proved। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, सेम प्रॉपर्टी आप घर पे प्रूव करना सेल्फ, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सेम प्रॉपर्टी अगले के लिए करना, वो मैं आपको दे रहा हूं, ए की वैल्यू लेना आप 3, बी की वैल्यू लेना आप -4, सी की वैल्यू ले लेना आप 5, और एक ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू -5 के लिए भी करना, और फिर मुझे लिख के बताना कि ये प्रॉपर्टी में प्रूव करने में आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम गई, तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपको कैसी प्रॉब्लम जाती, क्या होता है आपके साथ, और आगे की बातें डिस्कस करेंगे। अब आपसे मैं डिस्कस करता हूँ दोस्तों आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, आइडेंटिटी होती है a प्लस 0 इज इक्वल टू a, a में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा a, 0 प्लस a, a की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, आइडेंटिटी ऑफ a रिमेन्स सेम, ए में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें
जिससे ए की आइडेंटिटी ना बदले, ए विल रिमेन ए, ए हमेशा ए रहे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रॉपर्टी इज नोन एज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड जीरो इज कॉल्ड, कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे, टीचर आपसे पूछेंगी तो कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है प्लस का, तो आप बोलना एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो, क्योंकि ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है ए। मल्टीप्लीकेशन का कौन होगा? वन। मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी कौन है? वन, बिकॉज ए इंटू वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन इंटू ए, तो मल्टीप्लीकेशन का ये आइडेंटिटी है आइडेंटिटी। और ए की पहचान बदली क्या? ए की आइडेंटिटी चेंज हुई क्या मल्टीप्लीकेशन के बाद? नहीं। तो ये मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी है। माइनस के केस में आइडेंटिटी डज, बहुत होशियार हो गए बच्चे आप तो आपसे माइनस का भी पूछेंगे, ए माइनस जीरो इज इक्वल टू कितना होता है? ए। ए की पहचान बदली क्या? नहीं। लेकिन जीरो माइनस ए भी ए होना चाहिए, बट जीरो माइनस ए इज नॉट, जीरो माइनस ए इज नॉट वॉट ए, जीरो इज, जीरो माइनस ए इज नॉट ए, इसलिए आइडेंटिटी माइनस का एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफोर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर नेगेटिव साइन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज का चार्ट चाहिए होगा तो आप मुझको लिखना एंड आई विल गिव यू एट नो कॉस्ट। उसके लिए, किसी के लिए भी दिस चैनल इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू विल नॉट बी चार्ज्ड इवन अ सिंगल पेनी फॉर एनीथिंग। इसमें आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना कोई पैसे मैं आपसे मांगूंगा। तो ये आपने देखा, क्या देखा आपने? कि ये इसका कौन था? आइडेंटिटी एलिमेंट था। आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद आपको मैं बताता हूं डिवीजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सरल है, लास्ट ईयर जैसा आपने पढ़ा था वैसा ही है, बस अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके पास है 4 upon -2 या आपके पास है -6 upon -3 या आपके पास है -8 upon 4 या आपके पास है 7 upon 2, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। देखो आप, जैसे आपको वो टेबल प्लस इंटू माइनस की मैंने बताई थी ना, वो ध्यान होगी आपको, प्लस इंटू माइनस इज व्हाट? प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। वैसे ही इसका चार्ट है। किसका चार्ट है? डिवीजन का। कैसा डिवीजन का चार्ट है? देखो यहां पे, जैसे प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये प्लस अपॉन माइनस माइनस, माइनस इंटू अपॉन इंटू प्लस, तो माइनस अपॉन प्लस माइनस, माइनस अपॉन माइनस प्लस, और आखिरी वाला है प्लस अपॉन प्लस, प्लस अपॉन प्लस। ये तो लास्ट ईयर करते ही थे आप, प्लस अपॉन प्लस प्लस। तो ये देखो, प्लस अपॉन माइनस माइनस, जैसे प्लस इंटू माइनस माइनस होता, प्लस अपॉन माइनस माइनस, टू टू जा फोर, माइनस अपॉन माइनस प्लस, थ्री को डिवाइड, सिक्स को डिवाइड कर दो, थ्री टू जा सिक्स, ये क्या लिखा था? माइनस, माइनस अपॉन प्लस माइनस, फोर टू जा एट, सेवन बाय टू एज यूजल, थ्री एंड हाफ 3.5 प्लस का, प्लस अपॉन प्लस प्लस। तो ये क्या था? इसका डिवीजन था, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। क्या क्या देख लिया ऑपरेशंस में हमने? ऑपरेशन में देखा हमने एडिशन, ऑपरेशन में देखा सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन में देखा मल्टीप्लीकेशन, ऑपरेशन में हमने देखा डिवीजन, कि डिवीजन कैसे होता है। अब आप इसमें ध्यान रखें, जैसे लास्ट ईयर आपने पढ़ रखा था
ए इंटू जीरो इज वॉट, ए इंटू जीरो इज, ए इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू ए, ये भी क्या होगा जीरो, तो वैसे ही इस बार भी होगा माइनस ए इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू माइनस ए इज जीरो, और जीरो में मैंने बताया आपको प्लस साइन माइनस साइन कुछ भी रखें एक ही बात है। अब तीसरी बात है कि ए प्लस जीरो इज वॉट, ए इस बार क्या है माइनस ए प्लस जीरो इज माइनस ए, ये तो आपको क्लियर है ना, माइनस सेवन प्लस जीरो मैंने बताया था आपके पास लोन 7 रुपए का था, आपने उतारा भी नहीं चढ़ाया भी नहीं कुछ भी नहीं किया, तो लोन आपके पास कितने का रहेगा माइनस सेवन का ही रहेगा। तो ये ऐसी बात थी, ये क्या देखा था हमने, ये देखा हमने कि मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो से होगा तो क्या होगा। अब हम आगे आते हैं, एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, तो ब्रैकेट वाले केस में ऑपरेशन का आप ध्यान रखें कि पहले कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, तो बोर्ड मास का प्रिंसिपल आपको याद होगा, बोर्ड मास का प्रिंसिपल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास का प्रिंसिपल ये कहता है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास ये आपको मालूम होगा, ब्रैकेट ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और ये है आपका सब्ट्रैक्शन, ये बोर्ड मास का प्रिंसिपल है। ब्रैकेट में भी प्रायोरिटी है, ब्रैकेट में भी प्रायोरिटी है, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं और स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको मिडिल बोलते हैं, कर्ली भी बोलते हैं, इसको बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, पर इन सबसे भी पहले एक चीज सॉल्व होती है, उसको कहते हैं बार। सबसे पहले कौन सॉल्व होता है, बार। एक हम क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए, जैसे आपको ये सॉल्व करना है 3 माइनस 4 इंटू 2, कई बल्कि मैं ले लेता हूं छोटे छोटे से कई क्वेश्चंस, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसमें बोर्ड मास प्रिंसिपल लगेगा, 4 2 जा 8, 3 माइनस 8। अब यहां ब्रैकेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ऐसी कोई खास बात नहीं है, 3 माइनस 8, 3 में से 8 माइनस किया तो लोन 5 का बचा। दूसरा अगर आपके पास है ऐसा है, ध्यान से देखिए, 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4, तो फिर पहले क्या सॉल्व करेंगे आप, पहले क्या सॉल्व करेंगे आप, पहले क्या सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, क्यों, बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले आप मल्टीप्लाई करें, क्योंकि और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या लिखा है हमको, ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा जो सबसे अंदर है, तो ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये वाला ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, यहाँ ये वाला भी ब्रैकेट लगा सकते हो और ऐसा भी लगा सकते हैं राउंड ब्रैकेट, कोई खास बात नहीं, अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए जाएंगे तो ये जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 4 4, अब ये 4 4 जा 16, 3 माइनस 16, 3 माइनस 16, 3 में से 16 माइनस हुए, उल्टा हो रहा है तो माइनस साइन लगेगा है ना, माइनस 13,
16 में से 3 माइनस होते हैं, 3 में से 16 थोड़ी होते, तो आप माइनस कर दो और माइनस निशान नेगेटिव लगा दो। अब और अब देखो, अब आपके पास है 18 प्लस 3 ब्रैकेट 4 माइनस 2 ब्रैकेट 1 प्लस 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 के ऊपर क्या लगा दिया, 2 इंटू 2 कर देते हैं, चलो 2 इंटू 2 इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो बार लगा दिया तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, मैंने बोला आपको सबसे पहले बार कैलकुलेट होगा, तो बार क्या हो जाएगा, तो बार जब कैलकुलेट जाएंगे करने तो अंदर की चीज पहले कैलकुलेट होगी, अंदर की चीज कैलकुलेट होगी, तो अंदर की चीज क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 4 माइनस 4, ऐसा हो जाएगा 4 माइनस 4, तो ये अंदर की चीज सॉल्व हो गई। तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 4 माइनस 2 इंटू 2 ब्रैकेट 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1, अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये 2 ऑफ 1 है, 2 ऑफ 1, तो ऑफ भी किसके जैसा काम करता है, ऑफ मोर और लेस किसके जैसा काम करता है, मल्टीप्लीकेशन जैसे ही काम करता है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1, तो 4 माइनस 2 इंटू 1 मीन्स 4 माइनस 2, और ब्रैकेट कर ली, फिर इसके बाद 4 माइनस 2 इज 2, 3 ब्रैकेट 2, 18 प्लस 18 प्लस 3 2 जा 6, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, वो सॉरी मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इनके बीच में कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लीकेशन, तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6, अब 18 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 24। तो इस तरीके से देखे हमने कि ये बहुत सारे केसेस, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए भी देता हूँ, जो आप घर करना और मुझे अपना रिस्पांस जरूर देना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ये दो क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, ये आप सॉल्व करना और मुझे इनके आंसर लिख भेजना, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर से बताइए। मेरी बेस्ट विशेस हैं, इस लॉकडाउन टाइम का प्रॉपर यूज़ करें और आगे बढ़ें। इसके साथ ही हमने इंटीजर की सारी चीज़ें कवर की, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। Wish you all the best.